तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं और सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम। आपको बता दें, आज राज्यपाल से भेंट करेंगे सीएम साय, 11 बजे राजभवन जाकर राज्यपाल से भेंट करेंगे। इसके अलावा विधानसभा सत्र समेत अन्य विषयों पर चर्चा भी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम। बता दें, आज राज्यपाल से भेंट करेंगे सीएम साय और कई सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, विधानसभा सत्र समेत अन्य विषयों पर इस दौरान चर्चा होगी। तो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो एक और खबर आपको बता देते हैं रायपुर से, जहां इस साल दो बार आयोजित होंगी बोर्ड की परीक्षा। जी हां, 10वीं की 24 और 12वीं की 23 जुलाई से दूसरी मुख्य परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिया है आदेश। तो दो बार बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, 24। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब सरगुजा को छोड़ प्रदेश के सभी संभागों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। एक दो दिनों में सरगुजा संभाग भी पहुंच जाएगा मॉनसून। और आपको बता दें कि प्रदेश के अधिकांश स्थानों में आज भी भारी वर्षा के आसार है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। तो एक से दो दिनों में सरगुजा संभाग में भी पहुंच जाएगा मॉनसून। प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर आज भी बारिश की आशंका है। तो मौसम विभाग ने, आपको बता दें, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो रायपुर से अगली खबर, आज प्रदेश भर में शराब की बिक्री नहीं होगी। जी हां, कबीर जयंती के मौके पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। आबकारी विभाग ने जारी कर दिया आदेश, होटल बार रेस्टोरेंट में भी नहीं परोसी जाएगी शराब। गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब भंडारण पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा अपराध। तो आज शराब नहीं परोसी जाएगी रायपुर में। आपको बता दें कि आज प्रदेश भर में शराब की बिक्री नहीं होगी। वहीं कबीर जयंती के मौके पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि होटल बार रेस्टोरेंट में भी शराब को आज नहीं परोसा जाएगा। गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब भंडारण पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 जून शुक्रवार को धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 55 करोड़ 15 लाख की सौगात दी है और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मंच से सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने भी छात्रों को मोटिवेशनल स्पीच दी। मीडिया से बात करते हुए सीएम साय ने जिला प्रशासन के इस आयोजन की सराहना की। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल के मंत्रिमंडल से इस्तीफे के सवाल पर इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है कहा। जिला प्रशासन का एक बहुत अच्छा प्रयास था मिशन अव्वल, इसमें जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट थे उनको पिछले शिक्षा के सत्र में अलग से तैयारी कराई गई। महीने महीने उनका टेस्ट हुआ। रात्रि के दिनों में परीक्षा के पहले महीने में उनको आवासीय रखकर तैयारी करवाया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में बच्चों को बहुत अच्छी सफलता मिली। आज ऐसे सभी 29 बच्चों का सम्मान का यहाँ पर कार्यक्रम था जिनको हम लोग सम्मानित किए। कल विश्व योग दिवस मनाया गया था और इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव कोरबा पहुंचे, जहां उन्होंने योग कर कई मुद्दों पर बातचीत की। बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे और मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि वार्डो का परिसीमन चल रहा है, उसके बाद इस विषय पर कोई फैसला लिया जाएगा। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का जहां तक प्रश्न है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा करके वे करेंगे, पर हमारी सरकार को बने लगभग 6 महीना हुआ है। 6 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है।
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, विभागों की क्या क्या योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा बातचीत करके आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार आने वाले समय में तेज गति से काम करेगी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां भी हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दी है और उसके लिए वार्डों का परिसीमन की कार्यवाहियां प्रारंभ हो रही है और बाकी की तैयारियां भी धीरे धीरे करके नगरीय प्रशासन विभाग कर रहा है। तो देश दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों के साथ एक साथ योग किया। दौरान प्रदेश के जनप्रतिनिधि और शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मुझे खुशी है कि जिस मकसद को लेकर योग दिवस मनाया जाता है वह मकसद पूरा हो गया है। रायपुर की तरह हर ब्लॉक और हर गांव में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग का मतलब है जोड़ना, ये हमारे दिमाग और मस्तिष्क को जोड़ता है। योग से ही व्यक्ति और समाज का निर्माण होता है और दुनिया योग का महत्व समझ रही है और अपना रही है। योग से याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है। 5, 2, 3, 4, 5 देवा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन निकाय चुनाव से अधिक चर्चा इस वक्त दक्षिण के दंगल की हो रही है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में दक्षिण विजय को लेकर चुनौतियां का दौर जो है वो अभी भी जारी है। जी हां, पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर को लेकर क्यों दे दी है दो बड़ी सौगात और क्या कहते हैं इस लेकर कांग्रेस के नेता, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और रायपुर दक्षिण के अपराजेय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल ने सांसद बनने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के आसपास ही रायपुर दक्षिण में भी उपचुनाव होगा। यही वजह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दक्षिण के दंगल में दांव आजमाने के लिए हर कोई जोर आजमाइश करता नजर आ रहा है। इस बीच निकाय चुनाव और दक्षिण की सीट को लेकर रायपुर के दूसरे कद्दावर नेता और विधायक राजेश मूणत ने दो बड़े दावे किए। मूणत ने पहले तो 15 साल बाद रायपुर नगर निगम में भाजपा का महापौर बनने का दावा किया, साथ ही रायपुर दक्षिण को लेकर भी चुनौती दे डाली। मूणत ने कहा कि दक्षिण से कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता को भी खड़ा कर ले, भाजपा का छोटा कार्यकर्ता भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को हरा देगा। मूणत की दोनों चुनौतियों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। उनके चीर प्रतिद्वंदी विकास उपाध्याय ने कहा कि मूणत अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। रायपुर दक्षिण और नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। जो सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का उसको लड़ा ले, कई लोग तो पहले ही पलायन कर चुके, और जो सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का आया दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको पटक नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता है, एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता भी उसको चुनाव हरा के दिखाएगा। दो बार तो हो चुका, अब क्या करेगा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर बहुमत से ज्यादा सीट पर हम लोग चुनाव जीत कर आए। अभी हमारी सत्ता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई इसका उपवास उड़ाए। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ दक्षिण विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। एक मजबूत कैंडिडेट के साथ हम इस चुनाव में उतरेंगे और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव आने वाला समय तय करेगा। 400 पार की बात करने वाले लोग, उनके नेता 400 पार की बात करते थे, मुंह छोटा सा हो गया, चेहरे का कलर चेंज हो गया है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता का, तो ये तो छोटे से नेता हैं। अवसर मिल गया जनता की वजह से, ज़्यादा हवा में मत उड़ें, समय है। सरकार तो चल नहीं पा रही है, 6 महीना हो गया, आने वाले समय में पता चलेगा।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा के बाद अब सबकी निगाहें रायपुर दक्षिण के उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव पर टिकी है। जहां दक्षिण के दंगल में पहली बार भाजपा नए चेहरे पर दाव लगाएगी, वहीं कांग्रेस के लिए बृजमोहन अग्रवाल के किले को उनके गैर मौजूदगी में ध्वस्त करने का अवसर होगा। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ता है और किसके हाथ खाली रहते हैं, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। गौरव शर्मा, INS 24x7 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। किसानों ने धान बुआई की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन कई जिलों में खाद और बीज की कमी ने किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीरें खींच दी है। INS 24x7 और हरी भूमि ने लगातार प्रदेश के कई जिलों में खाद बीज के संबंध में पड़ताल की और रायपुर और आसपास की सोसाइटियों में क्या है खाद बीज की स्थिति, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी 26 लाख से ज्यादा हैं धान की खेती करने वाले किसान। पिछले साल 33 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर धान की खेती, इस साल 40 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती का लक्ष्य। 150 लाख मीट्रिक टन धान के उत्पादन का अनुमान। छत्तीसगढ़ में धान की बुवाई शुरू होते ही किसानों को खाद और बीज की कमी परेशान कर रही है। प्रदेश के कई स्थानों से किसान खाद और बीज नहीं मिलने की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में INS 24x7 और हरिभूमि की टीम ने रायपुर और आसपास की सोसाइटियों में पहुंचकर पड़ताल की। इस दौरान ये जानकारी सामने आई है कि फिलहाल खाद तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, सोसाइटियों में यूरिया, सुपर, डीएपी और पोटाश पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन बीज की कमी लगातार बनी हुई है। खास तौर पर सोसाइटियों में स्वर्णा और महामाया बीज उपलब्ध नहीं है। हमने घुघवा और सांकरा सोसाइटी पहुंचकर किसानों से बातचीत की और सोसाइटी के जिम्मेदारों से भी बात की। खाद भी सभी है, यूरिया, सुपर, डीएपी, पोटाश, बीज भी है। सरना कल खत्म हुआ है, अब डिमांड दिए हैं, आ जाएगा खाद दो दिन में। बाकी 1010 भी है, नहीं सभी बोते हैं। अब देख देख के अंदर अंदर में जैसा रहता है तो माई धान बोते हैं, आधा है सरना वरना ज्यादा दिन वाला। सरना और महामाया किस्म के बीज की डिमांड इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इससे कम समय और कम पानी में अच्छा उत्पादन होता है। यही वजह है कि किसान इसी किस्म के बीज को लेने लगातार सोसाइटियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में उन्हें 1010 किस्म का बीज ही उपलब्ध हो पा रहा है। इसी तरह से कुछ सोसाइटियों में डीएपी की कमी भी बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग बीज विकास निगम में बीज खत्म हो चुका है। आज का किसान पूरी तरह बाजार के बीज ऊपर निर्भर है और बाजार में भी बीज उपलब्ध नहीं है। जब धान की बोनी तेजी पकड़ेगा तो निश्चित रूप से किसानों को बीज नहीं मिल पाएगा। हमारे यहाँ तो अभी सबो धान रिसे फिलहाल में मतलब सरना बस के बीज नहीं मिल पावत रिसे हल्का से काहे मतलब लाए रही से आन साल के एवरेज में 2.5-3 क्विंटल लई सो ही ये साल सब किसान वही ज्यादा डाले धरी से मतलब ओकर बीज है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान सियासत के सबसे बड़े मुद्दे हैं, इसलिए खाद बीज की कमी पर भी जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर किसानों को ठीक बुवाई से पहले खाद बीज उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है, तो सरकार ये भरोसा दिला रही है कि खाद बीज की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जा रही है। खाद बीज की बड़ी किल्लत है, मेरे पाटन विधानसभा में भी डीएपी की कमी है, अन्य जगहों में भी पता चल रहा है कि डीएपी की किल्लत है, पूरे प्रदेश में बीज की भी कमी है बहुत सारे। अभी मैं बिलासपुर गया था तो वहां में भी बोले कि जो स्वर्णा मासरी की जो डिमांड है वो किसानों के द्वारा की जा रही है लेकिन सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। देखिए सरना और महामाया धान का कुछ एक एरिया है, खास करके जो मैदानी एरिया है रायपुर संभाग में इसकी फसल जो है कुछ अधिक लेते हैं और इसका मांग भी अधिक है। मैं समझता हूँ कि इसके अतिरिक्त भी जिलों में जब मांग बढ़ जाता है
तो स्वाभाविक है कि वो किस्म के धान वहाँ कम पहुंच पा रहा है। फिर भी इस तरह की जो कहीं अगर विसंगति है, कोई अनियमित अगर कहीं पे है व्यवस्था, तो उसे व्यवस्थित करने का मैं प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ में मॉनसून के एंट्री के बाद धान की बुवाई का दौर शुरू हो चुका है, इसलिए सोसाइटियों में खाद और बीज की उपलब्धता बेहद जरूरी है। सोसाइटियों से खाद बीज नहीं मिलने से किसान अब पूरी तरह से बाजार पर आश्रित होते हैं, जहां उन्हें ओवर रेट और घटिया क्वालिटी के उत्पादों का भी शिकार होना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो और किसानों की मुसीबत दूर की जा सके। रायपुर से कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ INS247 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में खाद और बीज की कमी है, जिससे किसान काफी परेशान है और किसानों की परेशानी को लेकर हरिभूमि INS247 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। हरिभूमि INS न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विभाग को निर्देशित किया है कि सभी जिलों में खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता हो, साथ ही किसानों को सना और महामाया धान खास तौर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने साफ तौर पर कहा कि किसानों को खाद बीज को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, सरना और महामाया धान का कुछ एक एरिया है, खास करके जो मैदानी एरिया है रायपुर संभाग में, इसकी फसल जो है कुछ अधिक लेते हैं और इसका मांग भी अधिक है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अतिरिक्त भी जिलों में जब मांग बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि वो किस्म के धान वहाँ कम पहुंच पा रहा है। फिर भी इस तरह की जो कहीं अगर विसंगति है, कोई अनियमित अगर कहीं पे है व्यवस्था, तो उसे व्यवस्थित करने का मैं प्रयास करूंगा। तो मॉनसून की दस्तक के साथ जिले में किसान जहां खेती किसानी में जुट गए हैं, तो वहीं उन्हें खाद बीज की कमी का भी अब सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी में डीएपी नहीं मिल पा रहा है, बीज की भी कमी से किसान जूझ रहे हैं। हालांकि प्रशासन पर्याप्त खाद बीज होने का दावा जरूर कर रहा है। बेमेतरा जिला पूरी तरह से कृषि आधारित है। यहाँ की 90% आबादी कृषि पर आश्रित है और उनसे ही उनका घर बार चलता है। ऐसे में कृषि और कृषि से संबंधित सभी चीजों का इस जिले में बड़ा महत्व है। बारिश के साथ ही खेती किसानी शुरू हो गई है, ऐसे में किसानों को खाद बीज के लिए जूझना पड़ रहा है। सेवा सरकारी समिति सजा के अध्यक्ष कृष्णा राठी की माने तो प्रशासन के दावे की पोल उनकी ही समिति में खुल रही है। खाद की समस्या उतनी नहीं है, लेकिन बीज की समस्या इस तरीके से है कि किसान को जब जब भी जरूरत पड़ता है वो उस समय तक उपलब्ध नहीं होता सोसाइटी में। लेकिन किसी भी समिति में इस प्रकार का ये उपलब्धता, ये इसी साल की बात नहीं है, प्रत्येक साल इसी तरीके से होता है, लेकिन इस साल तो और हद हो गई। जिले के सोसाइटियों में डीएपी नहीं है, बाकी सब खाद तो है लेकिन डीएपी नहीं है। डीएपी जो नहीं होने की वजह से, हालांकि जिला प्रशासन उन्हें 3 प्रकार के अलग अलग खाद ले जाने की सलाह दे रहा है, तो हम 3 प्रकार के खाद क्यों लें? हमको महंगा पड़ेगा। सिर्फ डीएपी हो तो एक साथ काम चल जाएगा, लेकिन 3 प्रकार के अलग अलग खाद देंगे तो हमें समय बर्बाद होगी और वक्त भी ज्यादा लगेगा और ले जाने में भी तकलीफ है। बेमेतरा जिला के सहकारी समितियों में खाद बीज की भयानक कमी है। किसान लगातार खाद बीज की कमी से जूझ रहे हैं। डीएपी जैसा खाद उनको नहीं मिल रहा है, जिसके लिए उनको समितियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों को सरना धान का बीज सोसाइटियों में उपलब्ध नहीं है, पूरे जिले में खाद और बीज की कमी है। प्रशासन का कहना है कि जिले में खाद बीज की स्थिति की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है, पर्याप्त मात्रा में सब जगह खाद बीज उपलब्ध है, इसलिए किसानों को अपने सोसाइटियों में जाकर खाद बीज उठाना चाहिए। प्रतिदिन मैं रिपोर्ट लेता हूं उप संचालक कृषि से कि जिले में कितने खाद और बीज का भंडारण है, कितने किसानों को दिया जा चुका है और कितना अभी है हमारे पास। जिले में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है,
डीएपी भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, अन्य खाद जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में है, तो किसानों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी में जाएं और अपना खाद जो है वो उठाएं। हर बार किसान खाद बीज की दिक्कतों से जूझते हैं और प्रशासन का दावा भी कमोबेश इसे झुठलाता नजर आता है। वस्तु स्थिति जानने के लिए चाहिए कि कलेक्टर साहब खुद फील्ड में उतरे, तभी स्थिति साफ होगी और वास्तव में व्यवस्था सुधरेगी। बेमित्रा से INS 24x7 के लिए सूरज सिन्हा की रिपोर्ट। तो दुर्ग में 21 जून को शुक्रवार को प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों की मैराथन बैठकें ली हैं और अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। इस दौरान बैठकों में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, कलेक्टर ऋचा प्रकाश सहित तमाम अधिकारी बैठक में शामिल हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बैठक में अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए, साथ ही बड़ाबाजार हिंसा पर कहा कि हमें सब कुछ पता है कौन कहां से था, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं की जाती। जिला के प्रशासन की समीक्षात्मक बैठक माननीय सांसद जी के साथ, माननीय सभी विधायक जी के साथ की है हम लोगों ने। कलेक्टर मैडम थे, एसपी साहब थे और सभी लोग थे, सारे विभाग के अधिकारी गण थे। बारिश से ठीक पहले क्या क्या व्यवस्थाएं जिले में आवश्यक होती हैं, जैसे स्कूल है, स्कूल का मेंटेनेंस है, वहाँ ड्रेस का वितरण है, पुस्तक कापी का वितरण है, खाद कृषि विभाग में खाद बीज का भंडारण है उसका वितरण है, ट्राइबल हॉस्टल्स में हॉस्टल्स का मेंटेनेंस का काम है वो भी अब खुलने जाता है, इन सारे विषयों को लेकर के आज बैठक। तो राजीव नवापारा में INS 24x7 और हरिभूमि की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध रेत खनन की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान में लिया और शुक्रवार शाम को गोबरा नवापारा तहसीलदार सूरज बछोर और आलोक वर्मा ने अवैध रेत खनन में लगे वाहन को जब्त कर लिया है। ग्राम कुम्हारी के रेत घाट में चैन माउंटेन मशीन से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था, जैसे मौके पर पहुंचकर प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया। तो राजनगांव में अवैध प्लॉटिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा है और कॉलोनाइजर्स और प्रशासन के साथ गांठ के साथ इनका कारोबार हर दिन फल फूल रहा है और प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बोर्ड लगाकर खाना पूर्ति कर रहा है। हालांकि दूसरे दिन कॉलोनाइजर इसे कचरा फेंक कर फिर से अवैध प्लॉटिंग करने लग जाते हैं। शहर के वृद्धि सिद्धि कॉलोनी के पास डूंगरगांव रोड मोतीपुर नवागांव लेटिया में धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इस मामले में राजनगांव एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर नोटिस जारी कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को लेकर अभी हमारे पास जो शिकायतें आई हैं और जो पटवारियों के माध्यम से रिपोर्ट्स भी आई हैं, उस पर हम जो प्लॉटिंग करने वाले हैं, चाहे किसान हो या कोई मध्यस्थ आदमी है, उस पर रिपोर्ट के आधार पर भी नोटिस जारी करेंगे और कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए INS 24x7। नमस्कार।